आरजे पल्लवी पॉडकास्ट के सारे कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे इस यूट्यूब चैनल को और सुनते रहिए हमारे साथ आज देवेंद्र प्रसाद जी की लिखी हुई कहानी लाल कोठी। दिन का उजाला किसी राक्षस के बड़े और काले साए से पराजित होकर गहरे अंधेरे में तब्दील होता जा रहा था। मैं डगमगाते कदमों से चलता हुआ घने जंगल के पगडंडियों से होता हुआ आगे बढ़ रहा था। चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी। भयानक जंगल को पागल कर देने वाले सन्नाटे में मैं अब बिल्कुल तन्हा था। रह रहकर न जाने क्यों मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा था जैसे कोई धीमी कदमों से मेरे पीछे भी चल रहा हो, मानो जैसे मेरी धड़कनों और मेरी तेज सांसों में परस्पर होड़ लगी हो एक दूसरे से आगे निकल जाने की। अंततः अब मेरे दिल की धड़कनें तेज सांसों को भी पछाड़ने लगी थी। जंगल में अभी तक किसी प्राणी की मौजूदगी के आसार नहीं दिखाई दे रहे थे। कोई जानवर, कोई पक्षी या हवा का झोंका जो पत्तियों को छेड़कर थोड़ी सी सरसराहट पैदा कर दे, कुछ भी तो नहीं था वहां। फिर मुझे अनजाना सा खौफ क्यों महसूस हो रहा था, पता नहीं। मैं अपनी पूरी जिंदगी में इससे पहले कभी अंधेरे में इस प्रकार से जंगल से नहीं गुजरा था, लेकिन शायद अब मेरा लाल कोठी तक पहुंचना किसी चुनौती से कम नहीं था। क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं? मैं खुद से ही बड़बड़ाया। हाँ, उस बुजुर्ग ने तो इसी दिशा की तरफ इंगित करते हुए कहा था, मैंने खुद को दिलासा देते हुए फिर से समझाने की कोशिश की। लाल कोठी के वजूद को लेकर मेरे मन में संशय के बादल उमड़ने लगे थे। कहीं ना कहीं मुझे इस बात का भी खौफ लग रहा था कि यदि मैं लाल कोठी तक पहुंचने में भटक गया तो मेरा इसी जंगल से वापस जाना शायद इतना आसान भी काम भी नहीं होगा। अब कहीं ना कहीं मुझे अपने फैसले पर पछतावा होने लगा था, लेकिन मैं दिल ही दिल में ये फैसला कर चुका था कि कुछ भी हो जाए मेरे कदम लाल कोठी तक पहुंचे बिना थमने वाले नहीं थे। ये मेरा दृढ़ निश्चय था। तभी अचानक मैंने सामने जो दृश्य देखा उसे देखते के साथ मेरे पांव उसी स्थान पर जड़वत हो गए। मेरी आंखों की पुतलियां फैलने को विवश हो गई। मैंने देखा कि मुझसे कुछ दूरी पर एक सफेद रंग का साया हवा में लहरा रहा था। देखते ही देखते अब वो धीरे धीरे मेरी ही दिशा में बढ़ती आ रही थी। मेरे हाथ पांव के कांपने का क्रम शुरू हो गया था और मेरी सांसें फूलने लगी।
मैं इन दकियानुसी बातों में विश्वास नहीं करता। आओ आगे बढ़े। ठीक है फिर चलिए। उसका ऐसा करना ही था कि तभी वो बिल्ली उस रास्ते के ठीक बीचों बीच आकर खड़ी हो गई। मेरी नजरें उसकी सफेद और हरे रंग की पुतलियों से जा मिली। वो अपलक मुझे निहारे जा रही थी, जैसे मैंने आगे निकलकर कोई गुस्ताखी कर दी हो। तभी अगले पल उस युवती ने लालटेन आगे करके उस बिल्ली को डराने की कोशिश की। वो बिल्ली बिजली के झटके के साथ झाड़ियों की तरफ उछली और अंधेरे में कहीं गुम हो गई। साहब आगे बढ़ो, अब वो नहीं आएगी। उस युवती ने ये बात बड़ी गंभीर मुद्रा में कही, जैसे उसने सच कहा हो। ये लाल कोठी और कितनी दूर है? मैंने बात बदलने की कोशिश की। बस जो अगला मोड़ दिख रहा है ना, उसके सामने ही है। उस युवती की बात सुनते ही मुझे राहत मिली। अगले कुछ क्षणों के बाद मैं लाल कोठी के सामने था। उसे देखकर लगता था जैसे अंग्रेजों के जमाने का आधारभूत संरचना हो। उस कोठी के बाहर जलते हुए दीपक का लौ हवाओं से बहादुरी से जूझ रहा था। इस बात की गवाही दे रहा था कि वो जगह अब भी इंसानों के रहने लायक थी। मगर जैसे ही मैं उस लाल कोठी के अंदर आया, मैं एकदम से चौंक कर रह गया। वो बहुत साफ सफाई थी और चीज़ें बड़ी करीने से रखी हुई थी। वो बात अलग थी कि वहाँ रखी हुई वस्तु काफ़ी पुराने समय की प्रतीत हो रही थी। अब मैं उस लाल कोठी के एक कमरे में था। ये जगह उतनी भी खास जगह नहीं थी, परंतु एक रात गुजारने के लिए इतनी बुरी भी ना थी। अचानक मेरी नींद खुली तो मैं चौंक गया। उस कमरे के एक कोने में ये युवती खड़ी थी और मेरी तरफ ही एक टक देखे जा रही थी। मैं झटके से उठकर बैठ गया और उसे बुलंद आवाज में कहा, इस वक्त तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो साहब, यहाँ बिजली की समस्या है ना, तो मैं लालटेन आपके कमरे में रखने आई थी। उसने बड़ी सहजता से जवाब दिया। मैंने देखा कि वो अब भी यहीं खड़ी थी। शायद उसके कुछ और इच्छा थी, शायद वो बख्शीश के लिए रुकी हुई थी। मैंने उससे फिर से पूछा, अब तुम जा सकती हो। साहब और कुछ चाहिए क्या? उसने अपनी दोनों पलकें उठाकर पूछा। गर्मा गर्म कॉफी मिल जाए तो बात बन जाए, सारी थकान एक क्षण में रफू चक्कर हो जाए। मैंने अपने दोनों बाजुओं को खोलते हुए कहा, लेकिन उसे तो शराब बहुत पसंद थी। उस युवती ने हल्के मुस्कुराहट के साथ कहा, किसे? मैंने तपाक से पूछा। था कोई एक, ये कहते के साथ वो कहीं खो गई। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ। मुझे उसकी इस बात में दिलचस्पी जाग गई। सब बताऊंगी साहब, पहले आपके लिए कॉफ़ी का तो इंतज़ाम कर दूं। लेकिन इतनी रात में भला कहाँ से? यहाँ तो दूर दूर तक कोई घर नहीं। मैंने उससे हैरत से पूछा। बस अभी आई साहब, ये कहती हुई वो सरपट एक दिशा की तरफ दौड़ पड़ी। ओह, बेचारी मेरी कॉफ़ी के चक्कर से बिना लालटेन के ही चली गई। न जाने वो अंधेरे का सामना करते हुए कैसे कॉफ़ी तक का सफ़र तय कर पाएगी। मैं उसके लिए थोड़ा चिंतित हो गया। ये कोठी गांव के बाहरी सीमा के बाद पड़ता था, तो उसको आने जाने में अच्छा खासा समय लगने वाला था। इसलिए मैं बिस्तर पर ही पसर गया। थके होने की वजह से मैं जल्दी ही नींद के आगोश में समा गया। अचानक से प्रतिध्वनि से कमरा गूंज उठा और मेरी आंख खुल गई। मैंने अपने गाल को छूकर देखा तो दर्द से कड़ा उठा। ऐसा लगा जैसे किसी ने पूरे जोर से मेरे गाल पर तमाचा रसीद किया था। सामने दीवार पर ही एक दर्पण टंगा हुआ था। मैंने जैसे ही उस दर्पण के करीब आया, मेरी चीख निकलते निकलते रह गई। ओह, ये नहीं हो सकता, मेरे गाल पर उंगलियों के निशान कैसे उभर आए? मैंने खुद से सवाल किया। मैं बहुत चकित था क्योंकि मेरे जिस गाल पर उंगलियों के निशान थे वो बिस्तर की तरफ थी। इस स्थिति में किसी को चांटा मारना असंभव था। ऐसा करने के लिए उस शख्स को बिस्तर के नीचे होना पड़ता। आखिर कोई बिस्तर के नीचे से चांटा कैसे मार सकता है?
ये सोचते के साथ में स्तब्ध रह गया। मैंने बिस्तर के नीचे झांक कर देखा तो वहां कोई भी मौजूद नहीं था। मैं थक हार कर फिर से बिस्तर पर फिर से आकर लेट गया। अभी लेटे हुए कुछ क्षण हुए थे कि तभी मेरी आंख खुल गई, मगर इस बार किसी ने चांटा नहीं मारा था, बल्कि मुझे अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हो गई थी। मुझे अपने पेट व सीने पर किसी भारी वजन का अनुभव हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरी छाती पर बैठ गया है। बढ़ते वक्त के साथ उसका दबाव और भी बढ़ता चला जा रहा था। अब मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था। मेरे चेहरे का रंग सुर्ख लाल हो चुका था। मेरे चेहरे के फूलते नस और सांस लेने के जद्दोजहद से साफ उजागर हो रहा था कि मैं सांस ले पाने में बिल्कुल भी असमर्थ हूँ। उस वक्त मुझे इस तरह से आंखें फाड़ कर चटपटाते हुए देखकर कोई भी एक पल के लिए तो वो भी डर सकता था, मगर बढ़ते वक्त के साथ अब मुझे भी ऐसा एहसास होने लगा था कि मेरे जीवन का अंतिम क्षण निकट आ चुका है। चाहकर भी मेरे हलक से आवाज़ नहीं निकल रही थी, मानो किसी ने मेरा मुंह बंद कर दिया हो। खुद को अदृश्य बंधन से मुक्त करने की चेष्टा में लगा रहा। इस कोशिश में मेरा हाथ पानी के जग से जा टकराया और वह धड़ाम से आवाज करता हुआ फर्श पर जा गिरा। पानी कमरे के फर्श पर फैलने लगा था। मैं अपने आप को बहुत असहाय महसूस कर रहा था। ऐसा लाचार मैं अपने जीवन में कभी नहीं हुआ था। तभी मैंने अंतिम प्रयास किया और अपने कुल देवता को मन ही मन याद किया और अपने शरीर में बची खुची ऊर्जा को एकत्र करते हुए जोर से धक्का देने की कोशिश की। इस आवाज के साथ वो कमरा गूंज उठा। ऐसा लगा जैसे कि वास्तव में कोई बिस्तर से नीचे गिरा था। मैं अपने आप को हल्का महसूस कर रहा था। मैं झट से फर्श पर खड़ा हो गया। मैंने कमरे में चारों तरफ दृष्टिपात किया, परंतु वहां लालटेन की रोशनी में मेरे अतिरिक्त कोई भी नहीं दिखा। मैं कुछ देर तक अवाक खड़ा और खुद को समझाने की कोशिश में जूझता रहा। मैंने पिछले कुछ पलों में जो कुछ भी यहाँ लाल कोठी में अनुभव किए थे वो अपने जीवन में कभी नहीं किए थे। ये सब घटनाएं मेरे मानसिक पटल पर गहरा असर छोड़ रहे थे और मैं निर्णय लेने में असमर्थ हो रहा था। तभी बाहर कोई आहट हुई। वो आवाज़ दरवाजे से ना आकर खिड़की के बाहर की तरफ से आ रही थी। ओह, ये आवाज़ कैसी है, मुझे चलकर देखना चाहिए, ये कहते के साथ में खिड़की के पास आकर खड़ा हो गया। तभी जो दृश्य मैंने देखा उसे देखते ही मेरे पांव जड़वत हो गए। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वहां बाहर सफेद रंग की आकृति थी जो हवा की तरह लहरा रही थी। मैं बुरी तरह आतंकित हो उठा। मैं चीखना चाहता था, मगर अत्यधिक खौफ के कारण मेरी चीख हलक में ही अटक कर रह गई। मेरे जिस्म के तमाम मसामों ने एक साथ ढेरों पसीना उगल दिया और जिसमें बर्फ सा ठंडा पड़ गया। मैं चाहकर भी कुछ कह और समझ पाने की स्थिति में नहीं था। तभी वो साया आगे बढ़ी और दौड़ते हुए वहां पास के कुएं में कूद पड़ी। छपाक की आवाज से वहां का वातावरण गूंज उठा। मैं दौड़कर उस तरफ गया। मैं कुएं में झांक कर देखा तो ये देख कर मैं अबाक रह गया कि वो कुआं तो बिल्कुल ही खाली था, उसमें पानी का कोई नामो निशान नहीं था। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा हो। खौफ की एक ठंडी लहर मेरी धमनियों में दौड़ गई। पसीने की एक महीन रेखा मेरे कान के पीछे से गले के रास्ते से होते हुए छाती तक जाने लगी, जिसकी वजह से मेरे बदन में सिहरन सी उठी और मैं नक से शीर्ष तक कांप उठा। साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हो, ये जानी पहचानी आवाज सी लगी। मैंने पीछे पलटकर देखा तो वो युवती खड़ी थी जो मुझे ये लाल कोठी तक सफलतापूर्वक लाने में मदद की थी। मैंने घबराते हुए कहा, तुमने अभी मेरे कंधे पर हाथ रखा था क्या? हाँ साहब, लेकिन आप उस कुएं में क्या झांक कर देख रहे थे, उस युवती ने अपने दोनों भौहों को ऊपर चढ़ाते हुए पूछा था। कुछ भी तो नहीं, दरअसल अंदर थोड़ी सी बेचैनी हो रही थी तो सोचा कि क्यों ना बाहर जाके टहल लूं। मैंने उस सफ़ेद साय वाली बात छिपाने का प्रयास करते हुए कहा। मुझे अच्छे तरीके से पता था कि यदि मैंने उसे
सफ़ेद साए के कुएं में छलांग मारने वाली बात कही तो वो मेरी खिल्ली उड़ा सकती थी। तभी मैं सोचूं कि साहब कॉफ़ी मंगवा के बाद कहाँ गायब हो गए। उसने धीमे से मुस्कुराते हुए अपनी हथेली से होंठों और ठुड्डी को छिपाते हुए कहा, वाह तो तुम कॉफ़ी ले भी आई, वाकई तुम्हारा कोई जवाब नहीं। ये कहते हुए मैं कमरे के अंदर दौड़ पड़ा। सामने मेज पर कांच की गिलास में कॉफ़ी दूर से ही दिख रही थी। मैंने झट से अपना हाथ बढ़ाया लेकिन अगले ही पल दुगनी गति से अपने हाथ को पीछे कर लिया। ये देखकर युवती चौंक गई और बोली, क्या हुआ साहब, कॉफ़ी में कुछ गिर गया है क्या? नहीं तो वो कांच का गिलास है ना, तो ज़्यादा गर्म होगा और ऐसे में हथेली से पकड़ने के आराम नहीं होगा ना, मैंने उसे रचनात्मक जवाब देते हुए कहा। दरअसल मेरे ऐसा करने की वजह वो कॉफ़ी का गिलास नहीं बल्कि पानी का जग था। वो जग उस मेज़ पर सही सलामत था और वो अब भी पानी से लबालब भरा हुआ था, जबकि कुछ देर पहले तो वो मेरे हाथ से अनजाने में गिर गया था। फर्श भी पूरा सूखा हुआ था, जैसे वो चीख चीख कर अपनी गवाही दे रहा हो कि वो फर्श पर गिरी ही नहीं थी। साहब हम पहाड़ी लोग तो स्टील के गिलास में ही अक्सर चाय पीते हैं, उसे पीते वक्त हम लड़कियां तो दुपट्टे का इस्तेमाल कर लेती है। ये कहने के बाद वो कुछ क्षण रुकी, फिर अपनी बात को पूरी करते हुए बोली, आप ऐसा क्यों नहीं करते कि अपने रुमाल को इस्तेमाल करें, इससे आपकी कॉफ़ी पीने में कोई तकलीफ भी नहीं होगी। वाह ये तुमने पहले क्यों नहीं बताया, ये तो बहुत अच्छी तरकीब बता दिया। ये कहते के साथ मैंने झट से कॉफ़ी के गिलास को अपने हाथ में ले लिया। मैं बिस्तर पर बैठकर कॉफ़ी को ख़त्म करने में लग गया। मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा कि वो तब तक उसी कमरे में मौजूद थी। जैसे ही मैंने कॉफ़ी ख़त्म करने के बाद गिलास को मेज पर रखा तो मेरी आंखें उसकी आंखों से जा टकराई। वो मंत्रमुग्ध होकर मुझे ही निहारे जा रही थी, मानो जैसे वो सम्मोहित हो गई हो। मैंने झट से अपनी हथेली हवा में लहराते हुए चुटकी बजाते हुए कहा, अरे तुम अभी कहीं गई नहीं? मेरे इस हरकत से वो तंद्रा भंग हो गई और घबराते हुए बोली, साहब और कुछ ज़रूरत हो तो बेहिचक बता देना, मैं यहीं बाहर बरामदे में आराम कुर्सी पर बैठी मिलूंगी। मैंने घड़ी में नज़र दौड़ते हुए कहा, हाँ ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि रात के 2 बजे मुझे अब किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तुम निश्चित होकर जा सकती हो। ये कहने के बाद मैंने कंबल को खींचा और अपने शरीर को ढककर सोने का उपक्रम शुरू कर दिया। तभी मुझे ऐसा एहसास हुआ जैसे उस कमरे में मेरे अलावा भी कोई मौजूद है। मैं झटके से बैठ गया और जो मैंने देखा उसे देखते कुछ पल के लिए मेरी सांसें ही रुक गई। तुम गई नहीं अभी तक? मैंने सहमते हुए उस युवती से कहा। मेरी ये बात सुनते ही वो हल्के से मुस्कुराई और बोली, साहब कुछ चाहिए आपको? अरे नहीं बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए और अब तुम यहाँ से जल्दी जाओ, मुझे सोना भी है, मैंने इस बार डांटते हुए कहा। इस बार मेरी आवाज़ शायद ज़्यादा ही बुलंद थी जिसकी वजह से वो एक बार कांप गई थी, लेकिन मेरी बातों का उस पर कोई ख़ास असर नहीं हुआ और वो मुस्कुराती हुई मेरी तरफ बढ़ने लगी। वो मेरे पाँव के पास आने के बाद रुकी, फिर बोली, साहब लाओ मैं आपके पाँव दबा देती हूँ, आप थक गए होंगे ना? मैंने झटके से पाँव मोड़ते हुए कहा, नहीं मैं ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकता। लेकिन क्यों? क्योंकि तुम उम्र में मुझसे छोटी हो और मेरी बहन जैसी हो, हमारे यहाँ बेटियों के देवी तुल्य माना जाता है और बेटियों को पाँव छूने की इजाज़त नहीं होती। लेकिन साहब, तुम मुझे साहब ना कहो, मेरा नाम अटल पेन्योली है, तुम अटल कहकर संबोधित कर सकती हो। सच साहब आप कितने अच्छे हो, ये कहते के साथ उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसकी ये परिस्थिति देखकर मैं समझ गया था कि ये सब वो आमदनी के लिए कर रही थी। इतनी रात को दौड़कर कॉफ़ी लाने के लिए जाना, आधी रात को किसी अजनबी के पाँव को दबाने की मंशा, ये सब उसकी गरीबी होने का ही तो परिसूचक थी। मुझे ये देखकर उस पर तरस आ गया और मैंने बिस्तर के एक कोने की तरफ इशारा करते हुए कहा, आओ यहाँ बैठ जाओ,
हम लोग कुछ देर के लिए बात करते हैं। वो बिना झिझके वहाँ बैठ गई। मैंने माहौल अच्छा करने की कोशिश की और उससे बोला, मेरी अगर कोई बहन होती ना तो वो बिल्कुल तुम्हारी तरह ही होती, लेकिन तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं। शगुन उनियाल है मेरा नाम। मेरे पिता मुझे प्यार से शुग्गू बुलाया करते थे। ये कहते हुए उसकी आंखों में विशेष चमक थी। कहा करते थे से क्या मतलब? क्या अब वो जीवित नहीं? मैंने उससे प्रश्न किया। वो मेरा मतलब कि जब मैं छोटी थी ना तब मुझे शुग्गू कहा करते थे, अब तो बड़ी हो गई ना साहब। ये कहते हुए उसके चेहरे के भाव कुछ अलग से थे, जैसे वो कोई बड़ी बात मुझसे छिपा रही हो। तुमने मुझे फिर से साहब कहा? मैंने मना किया था ना, परंतु मैं आपका नाम कैसे ले सकती हूँ? जैसे एक बहन भाई का नाम लेती है वैसे। अच्छा चलो, तुम्हें मेरा नाम लेना अजीब लग रहा है तो भैया कहकर संबोधित करो। हाँ ये ठीक कहा, मैं आपको भैया ही बोलूँगी। ये कहते हुए उसकी आंखों में एक विशेष प्रकार की चमक थी। ये चमक शायद उसकी खुशी को दर्शा रही थी। उसकी बातों से ये बात स्पष्ट हो गई थी कि वो घर में इकलौती संतान होगी जिसके कंधे पर घर चलाने का दायित्व होगा और जिसके वजह से वो लाल कोठी के मेहमानों का ख्याल रखने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। भैया एक बात पूछूं? उसने मेरी तरफ अपनी दृष्टि जमाते हुए पूछा। मैंने हाँ में अपना सिर हिला दिया, जिसके बाद वो बोली, आपको लाल कोठी का पता किसने बताया और आप यहाँ किसी काम से आए हो क्या? क्यों, मुझे इस लाल कोठी में नहीं आना चाहिए था क्या? या जो यहाँ जाता है वो वापस नहीं आता? मेरा मतलब वो, अरे पागल, मैं मजाक कर रहा हूँ। मैंने हंसने के उपक्रम शुरू कर दिया, फिर अपनी बात को पूर्ण करते हुए कहा, दरअसल मैं बैंक में काम करता हूँ और मैं अंकेक्षण अधिकारी हूँ। मुझे कल सुबह मसूरी के किसी बैंक में ऑडिटिंग करनी थी। मैंने सोचा कि मैं अपनी कार से रात को ही मसूरी पहुँच जाऊँ और वहाँ से देहरादून शहर को रात में तारों की तरह टिमटिमाते देख आनंद ले सकूँ। लेकिन ऐन वक्त पर मेरी कार आधे रास्ते में जंगल में खराब हो गई। फिर मुझे किसी बुजुर्ग ने बताया कि मैंने रोड को छोड़कर आगे से एक कच्ची सड़क जाती है जो लाल कोठी नामक गेस्ट हाउस तक जाती है। मुझे आज की रात वहीं गुजारनी चाहिए। मैंने सोचा कि एक रात की ही तो बात है, मैं सुबह यहाँ से तो निकल ही जाऊँगा। मैं उन पगडंडियों से होता हुआ अभी थोड़ी दूर चला ही था कि तभी तुम नजर आ गई। फिर उसके बाद की कहानी तो तुम्हें पता ही है। ये कहने के बाद मैंने राहत भरी सांस ली। शगुन, तुम यहाँ अकेले ही रहती हो क्या? तुम्हारे साथ देने के लिए कोई स्टाफ नहीं है क्या? भैया अब आप आ गए हो ना तो फिर मैं अकेले कैसे हो सकती हूँ? लेकिन मैं तो सुबह होते ही चला जाऊँगा, ये लाल कोठी की देखरेख करने वाला कोई तो होगा ना। लोग इस तरफ आना बहुत कम ही पसंद करते हैं। क्यों,